हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर या फिर पोलर टू कार्टेशियन। इस लेक्चर में हम लोग उसे कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं, तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको जो गिवन होगा वो होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स को वाई के फॉर्म में आपको गिवन होगा, और आपको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना होंगे, दैट इज आर कॉमा थीटा के फॉर्म में आपको फाइंड करना होगा, मतलब आर और थीटा आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना होगी, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा जो आर हो वो पॉजिटिव आए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आर हमारा नेगेटिव ना आए, आर को पॉजिटिव ही रखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम एंगल निकालेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, हमारा जो थीटा है वो डिफरेंट आ सकता है, उस जो थीटा है वो किस चीज़ पे आप डिपेंड करेगा कि हमारा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमको जो भी कोऑर्डिनेट दिया है उसे हम पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें ये है मेरा पहला क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगर मेरे एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो है, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरा फर्स्ट में ही आएगा, वो दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में जो मैं थीटा लूँगा वो थीटा ही होगा, है ना, उस केस में जो थीटा आएगा वो थीटा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा एक्स नेगेटिव हो रहा है, अगर मेरा एक्स नेगेटिव हो रहा है और वाई पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि उसका एंगल 90 प्लस समथिंग होगा, है ना, उस केस में जो एंगल मैं लूँगा वो लूँगा पाई माइनस थीटा, ये याद रखना आपको। ठीक है, अगर मेरा जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड में आया, कहने का मतलब एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, तो उस केस में जो एंगल मैं ले रहा हूँ वो होगा थीटा माइनस पाई। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसमें मेरा एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा, तो उस केस में जो एंगल मैं ले रहा हूँ वो होगा माइनस थीटा। ठीक है, ये अभी हमने इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि जब ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब आपको इसका इम्पोर्टेंस फील होगा, आपको बहुत सारे डाउट आ सकते हैं कि सर ये थीटा दो केस में मेरा नेगेटिव हो रहा है तो मैं पाई माइनस थीटा कब लूँ और माइनस थीटा कब लूँ। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको धीरे से, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो जो मेरा एंगल होता है, एक्चुअल में एंगल की रेंज जो होती है वो मेरा माइनस पाई टू पाई होता है, इसीलिए मैंने ये चारों चीज़ें लिखी हुई। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा एंगल हमेशा पाई और माइनस पाई के बीच में ही रहे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल है 1,1, बहुत ही सिंपल 1,1। अब चूंकि 1,1 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सबसे पहले मैं इसका अगर एक क्वाड्रेंट बना लूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये 1,1 पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो थीटा है वो भी पॉजिटिव आएगा और आर तो मुझे पॉजिटिव लेना ही है। ठीक है, तो आर, अब आर देख लेते हैं हम, आर क्या होता है, आर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आर होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसका मतलब कि आर जो होगा वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ रूट 2, ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब थीटा, तो टेन थीटा हमने निकाला हुआ था, टेन थीटा हमने निकाला था वाई बाय एक्स, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो वाई बाय एक्स कितना हो जाएगा 1/1, इसका मतलब टेन थीटा मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन मुझे टेन थीटा नहीं निकालना होता है, मुझे निकालना होता है थीटा,
ये देखिए मुझे थीटा निकालना होता है, तो थीटा को मैं लिखता था टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स या फिर वन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे मुझे पता है कि टेन थीटा वन मेरा कब आता है, थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर पे, तो इसी चीज़ को मैं पाई बाय फोर लिख सकता हूँ। लेकिन हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपका ये वैल्यू ऐसी भी आ सकती है जिस केस में आपको टेन थीटा पता ही ना हो, जैसे टेन थीटा इक्वल टू टू आ गया तो आपको नहीं पता कि थीटा टू कब होता है, आपको उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेटर है उस केस में थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू लिखते हैं, ठीक है, वो आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो इस केस में थीटा मेरा कितना हो गया, फाइव बाई फोर। तो मेरा जो पोलर कोऑर्डिनेट आया है आर कॉमा थीटा, वो आया है मेरा रूट टू कॉमा पाई बाय फोर, और ये भी मेरा पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये कैसा है, ये मेरा ऐसा है कि मैं पाई बाय फोर एंगल एंटी क्लॉकवाइज में चला क्योंकि एंगल पॉजिटिव है, और इसी डायरेक्शन में रूट टू डिस्टेंस चला, ठीक है। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में मैं एक बार x को नेगेटिव ले लेता हूँ और y को पॉजिटिव ले लेता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर करें, आपको अच्छा व्यू मिल जाएगा। अब इस केस में भी मैं जैसे ही इसे ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है लेकिन जब हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो लाई कहाँ कर रहा है, आपके लिए और ईजी हो जाता है समझने में, ठीक है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको पहले से ही पता होगा देख के कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव का केस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है। तो इस केस में जो हमारा पॉइंट लाई कर रहा है वो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब r में चेक करता हूँ तो r जो होगा वो होगा मेरा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो इस केस में जो मेरा r आया वो आया रूट टू, है ना, जो यहाँ पे आया हुआ था आर मेरा सेम ही आया। अब मैं टेन थीटा चेक करता हूँ तो टेन थीटा मेरा जो आएगा वो आएगा वन बाय माइनस वन, ठीक है। तो अब ये कहने को तो माइनस वन ही हुआ, है ना, जिस केस में मेरा थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, है ना। तो इस केस में मैं थीटा क्या लूँ, क्योंकि आप इसे सॉल्व करने के बाद वापस माइनस वन ही लिख लोगे तो आपको ये इसको देख के ये नहीं पता कि y नेगेटिव था या x नेगेटिव था। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि हमारा y नेगेटिव था या x नेगेटिव था। अगर मेरा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब जो मेरा थीटा होगा वो मेरा पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा होगा, और ये थीटा पॉजिटिव होता है, अब ये अंदर का पॉजिटिव होता है इस केस में। इस केस में तो थीटा जो है वही का वही, लेकिन इस केस में थीटा पॉजिटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन, ठीक है। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय फोर या फिर थ्री पाई बाय फोर, ठीक है। थ्री पाई बाय फोर होता है मेरा 135, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं थ्री पाई बाय फोर या फिर 135 एंगल चला इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ से रूट टू डिस्टेंस ऊपर गया, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहीं पे टेन थीटा माइनस वन ले लेता तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होता कि एंगल तो मेरा नेगेटिव आ गया तो क्या मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लूँगा मैं, दैट इज़ आंसर माइनस पाई बाय फोर नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो मेरा वाई नेगेटिव होता, एक्स नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इस केस में जो मेरा है वो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इस केस में मैं -1, -1 लेने वाला। अभी आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो जो आर होगा मेरा वो होगा √2। बहुत सिंपल, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो इट विल बी √2, है ना। अब मैं टेन थीटा निकालूंगा, तो टेन थीटा जो आएगा वो आएगा मेरा वाई बाय एक्स, यानी कि -1 बाय -1। अब देखिए यहाँ पे आप माइनस साइन कैंसिल करके इसे वन लिख सकते हैं, तो आपका थीटा जो है वो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1, या फिर आप इसे गलती से लिख सकते हैं π/4, जो कि सही नहीं है, ये गलत है, है ना। एक्चुअल में जो आपका एंगल होगा वो होगा थीटा माइनस पाई। आप देख सकते हैं इसमें, इस केस में जब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो एंगल मिल रहा हूँ θ-π, ठीक है ना। तो जो मेरा थीटा होगा, थीटा मेरा कितना आया था, टेन इनवर्स ऑफ वन होता है मेरा π/4 और -π, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा -3π/4, ठीक है ना। तो एंगल मेरा कितना आ गया -π/4, तो इसका मतलब क्या है कि मैं माइनस मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपको पता होगा, जब मेरा एंगल पॉजिटिव होता है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता हूँ, जब एंगल मेरा नेगेटिव होता है तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ। तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3π/4 यानी कि 135 एंगल चला, और इस डायरेक्शन में मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, √2, तो ये √2 डिस्टेंस कवर किया। तो ये मेरा जो कोऑर्डिनेट आया वो आया √2, -3π/4, ठीक है ना। तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, जो कि एक्चुअल में कार्टेशियन का था, है। अब देखिए गलती क्या हो सकती है कि मैं अगर π/4 चल देता, तो π/4 चलने में प्रॉब्लम ये होती कि π/4 एक तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं ऐसा चलता पॉजिटिव, और उसी केस में √2 डायरेक्शन ऊपर चल देता, तो मैं पहले क्वाड्रेंट में आ जाता, तो वो गलत हो जाता, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि एंगल मेरा कैसे डिसाइड हो रहा है। एंगल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि x मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेम y मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। ओके।